जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने ऑयल कंपनियों पर लगाम कसते हुए तेल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि तेल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला आज ही लिया गया है। केंद्र सरकार ने जेट फ्यूल और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। जहाँ पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, तो वहीं डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ईटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। सरकार ने ये फैसला ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे को रोकने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां ग्लोबल मार्केट से घरेलू स्तर पर कच्चा तेल इंपोर्ट कर दूसरे देशों को तेल रिफाइन कर एक्सपोर्ट कर रही थी, जिससे कंपनियों को तो लाभ हो रहा था, लेकिन देश में फ्यूल क्राइसिस की समस्या जो कि त्यों बनी हुई थी, जिसके चलते अब सरकार ने घरेलू स्तर पर पुनः उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपए प्रति टन का एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल की सप्लाई में परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही बता दें कि इसका आम जनता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की कीमतों के महंगे होने को रोकना है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें पहले ही उफान पर है, इसलिए सरकार का प्रयास जनता को राहत दिलाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।